हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीटीएच वर्ल्ड में, जहां आपको बताया जाता है डीटीएच में होने वाले सभी तरह के प्रॉब्लम और उनका बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास MPG4 सेट टॉप बॉक्स है और वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसे कैसे सही करें। दोस्तों, उसे सही करने के लिए दोस्तों आपको अपने बॉक्स का फैक्ट्री सेट करना होगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आपके मोबाइल में जिस तरह से सारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो आप उसे फैक्ट्री रिसेट या रिबूट करके सही कर लेते हैं, उसी तरह से आप अपने बॉक्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसे भी आप फैक्ट्री रिसेट करके सही कर सकते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपके अपने रिमोट में मेन्यू बटन पर जाना होगा। मेन्यू बटन दबाने के बाद दोस्तों यहाँ लॉक का सेक्शन में दूसरे नंबर पर आपको फैक्ट्री रिसेट लिखा मिलता है। दोस्तों, वहाँ पर जाकर आपको दोस्तों नॉर्मली रूप से करना कुछ नहीं है, आपको फैक्ट्री रिसेट कर देना है। दोस्तों, फैक्ट्री रिसेट करने के बाद दोस्तों आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको फैक्ट्री रिसेट करके दिखाता हूँ। यहाँ फैक्ट्री रिसेट करने के लिए यहाँ पे कोड मांग रहा है दोस्तों, तो DT-FreeDisk का MPG4 बॉक्स का फैक्ट्री रिसेट का कोड है दोस्तों 4x0। यहाँ पर मैं जैसे ही 4x0 दबाऊँगा, ओके बटन सेव करने के लिए कहेगा, मैं ओके बटन प्रेस कर दूंगा। ओके बटन प्रेस करते के साथ दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा हुआ रहा है, बाइस चल रहा है, यह 0-0 हो जाएगा और रिबूट होना शुरू हो जाएगा हमारा बॉक्स। दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमारा सेट ऑफ बॉक्स 0-0 होकर रिबूट मोड में चला गया है। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमारा सेट ऑफ बॉक्स फिर से बंद हो गया है और अपने से बूट होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्ले पे बूट लिखा हुआ आ रहा होगा और यह सेट ऑफ बॉक्स हमारा बूट होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, तो दोस्तों जिस तरह से आपका नया मोबाइल बूट होकर सही हो जाता है, उसी तरह से आपका बॉक्स भी रिबूट होकर पूरी तरह से सही हो जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने बॉक्स को रिबूट कर लिया है और यहाँ पे कुछ नए और पुराने चैनल भी आ चुके हैं। दोस्तों, जो चैनल दोस्तों DT-FreeDisk में नहीं चल रहे होंगे उस पर नो सिग्नल लिखेंगे दोस्तों, और जो चैनल आने वाले होंगे और चल रहे होंगे उस पर आपको सारे सारे चैनल चलेंगे। दोस्तों, जो चैनल आपके नहीं चल रहे होंगे वो आप डिलीट कर दें और बाकी के चैनल का दोस्तों आप पूरी तरह से आनंद लें। दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे बाकी के सभी चैनल वगैरह आ चुके हैं, एक जो चैनल जो कि फालतू थे बस उस पर नो सिग्नल आ रहा था। दोस्तों, यहाँ पे इसका 180 चैनल का जो लिस्ट है, 185 चैनल का MPG4 बॉक्स का, वो यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने सेटअप बॉक्स का फैक्ट्री सेट करके सभी के सभी चैनलों का आनंद ले सकते हैं DT-FreeDisk में। दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि आप अपने DT-FreeDisk के बॉक्स में फैक्ट्री रिसेट किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों फैक्ट्री रिसेट करने के लिए आपको जो पूरी की पूरी सेटिंग थी मैंने आपको बता दिया, तो इस तरह से दोस्तों आप फैक्ट्री रिसेट करके आप अपने बॉक्स को सही कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको सही समय तक पहुँच सके।